सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सैफ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्लिच टेक्स्ट इफेक्ट। तो मैं आगे इस वीडियो के अंदर आपको वो भी बताऊंगा कि ये टेक्स्ट इफेक्ट को आप एज अ पोस्टर, एज अ बैनर कैसे यूज कर सकते। तो इसी के साथ लेते टेक्स्ट टूल को और शुरू करते अपनी वीडियो को। देन मैं यहाँ पे टाइप करूंगा एक वर्ड जो मैं इस ट्यूटोरियल के अंदर यूज करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे सिग्नल टाइप कर लिया है। देन मैंने इसका कलर जो है वाइट कर लिया है। कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। थोड़ा सा मैंने इसका लाइन का जो गैप है वो यहाँ पे इंक्रीज करके 100 रखा हुआ है। आपका जो फॉन्ट चॉइस है और आपका जो हेडिंग है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे गौतम का अल्ट्रा फॉन्ट यूज़ किया है, अगेन उसको इटैलिक पे रखा हुआ है। इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। देन आपको इसका एक डुप्लीकेट भी बना लेना है। फर्स्ट वाले लेयर के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से मैं इसके चैनल्स में से रेड, ग्रीन और ब्लैक जो कलर है उसमें से मैं रेड वाले को हटा दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। देन प्रेस ओके। देन हम जाएंगे सेकेंड लेयर के ऊपर, अगेन यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं रेड को रहने दूंगा, ग्रीन और ब्लैक को मैं डिसेबल कर दूंगा। देन अगेन प्रेस ओके। यहाँ पे अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं चाहूँगा कि इस लेयर को, टॉप वाले लेयर को आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो इस टाइप का इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। इन दोनों लेयर्स को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करना है। देन अगेन इनको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। इसको मैं अभी जस्ट ग्लिच इफेक्ट में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे इसको, इस लेयर को रास्टराइज करना पड़ेगा आपको। देन आपको यहाँ से मॉक टूल लेना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है या तो फिर आप शिफ्ट प्रेस करके कंटिन्यूसली सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी सिंपल है। आप इसको आपके पोस्टर्स में, आपके बैनर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्शंस ऐड कर दिए। आपको भी ऐसे ही ऐड करना है सिलेक्शन। देन आपको सिलेक्शन टूल लेना है, मूव टूल को, और आपको ये सिलेक्शन को राइट या लेफ्ट को शिफ्ट प्रेस करके आपको मूव करना है। आपको जहाँ पे आप मूव करना चाहते हैं वहाँ पे आप मूव कर सकते। लेफ्ट में अच्छा दिख रहा है तो मैं इसको लेफ्ट में मूव करूँगा। देन कंट्रोल डी प्रेस करके आप डिसलेक्ट कर सकते हैं। अभी कुछ इफेक्ट हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देन मैं अगेन इसकी एक कॉपी बना लूँगा। देन मैं जाऊँगा फिल्टर में, ब्लर ऑप्शन में। देन यहाँ पर मैं मोशन ब्लर के ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये थोड़ा सा एक मोशन वाला ब्लर यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना है आपको, ताकि ये दिखने में और भी कूल लगे। तो इसको हम पोस्टर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो इन दोनों लेयर्स को मैं अगेन कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ और टेम्परेरी मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। तो ये मेरा पेज है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लेके रखा हूँ। देन मैं यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया हुआ था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वाली इमेज को मैं अपने पेज के ऊपर ले आता हूँ। देन कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसका साइज थोड़ा सा कम करना चाहूँगा। आप अपनी पसंद की इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो इस वाले इमेज को मैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दूंगा। देन ये इमेज को थोड़ा सा मैं मास्क ऐड करूँगा और इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं ब्लैक कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना कि मैं एग्जैक्टली क्या चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ। आपको इन दोनों लेयर्स को कंट्रोल शिफ्ट करके अगेन इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। अगेन आपको इसका और एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेना है। देन आपको सेम चीज़ अप्लाई करनी है जो कि मैंने उस टेक्स्ट पे की थी। मैं फर्स्ट में रेड को यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा। देन प्रेस ओके। देन मैं सेकेंड लेयर के ऊपर ग्रीन और ब्लैक को डिसेबल कर दूंगा और फर्स्ट वाले लेयर को मैं थोड़ा सा मूव कर दूंगा। देन अगेन वो वाला इफेक्ट आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो आप यूज़ कर सकते हैं इस इफेक्ट को अगेन आपके पोस्टर्स में, आपके बैनर्स में। तो इसको मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट फिर से कर दूंगा। देन मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा कुछ लेवल्स।
ताकि और भी इसका लुक जो है अच्छा दिखे। तो मैंने यहाँ पे लेवल्स थोड़े से ऐड कर दिए हैं। देन मैं वो सिग्नल वाला जो टेक्स्ट है उसको मैं फ्रंट मर लेकर आऊँगा। अगेन मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड किया था ऑलरेडी, तो इसकी वजह से ये जो टेक्स्ट है इसका लुक और भी निखर के आ रहा है। देन आपको इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और ई प्रेस करना है। यहाँ पे एक लेयर पूरा मर्ज होके तैयार हो जाएगा। आपको जाना है फिल्टर में, नॉइस में, और थोड़ा सा इसके ऊपर नॉइस ऐड करना है ताकि ये दिखने में और भी कूल दिखे। थोड़ा सा और इसको कूल दिखाने के लिए मैं एक चीज़ इसके ऊपर ऐड करूँगा, जो कॉर्नर से मैं उसमें थोड़ा सा ग्लो ऐड करूँगा ब्रश टूल की मदद से, और यहाँ पे मैं बस एक क्लिक कर दूँगा। अगेन मैं इसका कलर जो है चेंज करके ये वाला कलर ले लूँगा, थोड़ा सा इसको मैं डार्क ले लेता हूँ। एंड अगेन मैं प्रेस करूँगा यहाँ पे इस कॉर्नर में। देन आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके डट्स वाला, लीनियर डट्स वाला अप्लाई कर देना है। ओपेसिटी मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डाउन करूँगा क्योंकि ये दिखने में और भी कूल दिखे। तो उसी के साथ ये वाला इफेक्ट आपका रेडी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इफेक्ट और आपको ये पोस्टर पसंद आया होगा। आप जो भी पोस्टर, जो भी बैनर्स बनाएंगे, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर टैग कर देना। मैंने अपना इंस्टाग्राम का आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो को शेयर करो आपके दोस्तों के साथ में। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।